आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने आज का नया दिन दिखाया हमको और आज की सुबह जैसे हम अब परमेश्वर की आराधना करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 121 यू नो उसमें मैं अपनी आंखें पर्वती की ओर लगाऊंगा मुझे सहायता कहां से मिलती है मुझे सहायता तो यहोवा से मिलती है भजन संहिता 23 उसका पहला वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी हालिया प्रभु हमारा चरवा है और प्रभु हमारे साथ सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है हाल प्रभु का धन्यवाद दे आइए प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु आज के दिन में प्रभु हम सब को तो बहुत आशीषित कर खुदा होने दे कि तेरा जिंदा कलाम तेरे वचन प्रभु हमसे बातें करे तेरी रूह तेरी आत्मा प्रभु हमसे बातें करे खुदा हमारे आत्मिक आंखों को कानों को खोल दे हमारे विश्वासों को जगा ताकि प्रभु जैसे तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में कार्यरत होने पाए पाया के नाम से मांगते हैं सुन और कर मेरे प्रियो आज का एक छोटा सा शीर्षक जो हमने लिया है वो परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह जो मेरा चरवाहा हाल लु प्रभु यहोवा दाऊद कहता प्रभु यहोवा मेरा चरवाह है वैसे प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और तुम जो अगर मेरी भेड़े हो तो तुम मेरी आवाज सुनोगे और ना केवल सुनोगे पर तुम मेरी आवाज को पहचानोगे हाल अलू है ना उसका दसवा अध्याय सत्तावीस और अट्ठावीस में ऐसा लिखा है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को जानती है और मैं उनको जानता हूँ वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं उनका कभी नाश नहीं होगा और ना कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा हाल मेरी भेड़े क्या करती है मेरी आवाज सुनती है मेरे पियो मुझको याद है कि जब मेरी बहन का आ, बाबा जब पैदा हुआ था नर्स उसको हॉस्पिटल में क्लीन कर रही थी और आ, वो जब पैदा होने का था तो क्योंकि बहन हमारे साथ में थी यू नो घर के बाजू में रहते थे वो लोग तो अक्सर वो घर पे आ गए थी और डिलीवरी के समय वो हमारे पास थी तो उस समय हम ऑलरेडी इस पापा से बात करते थे जब वो पेट पेट में ही था तो हम लोग यू नो तुरंत से जब वो सिस्टर उसको नर्स उसको साफ़ कर रही थी यू you नो know, पीछे वार्ड में क्योंकि उसका माय सिस्टर का जब डिलीवरी हुआ तो उस समय हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे और हमको नहीं पता था कि यू नो सिंस इट वाज अ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल थोड़ा सा एक नर्सिंग होम था जो तो वहाँ एक कॉमन पैसेज था जहाँ पे नर्सेस का रूम था और नर्सेस के रूम में कुछ यू नो पेशेंट्स ऑलरेडी थे तो इसलिए वो बाहर थोड़ा सा इसमें एक ट्रे में uh, एक सिकलूडेड प्लेस में वो उसको क्लीन कर रही थी और पापा रो रहा था एंड द मोमेंट हमने सुना बिकॉज़ हमको मालूम था कि और कोई पेशेंट उस समय आ, प्रेगनेंसी में नहीं है और डिलीवरी उस दिन सिर्फ मेरी सिस्टर की थी तो मैंने तुरंत से वो पापा को आवाज दिया मिकू क्या हो गया द मोमेंट वो उस बच्चे ने मेरी आवाज सुना तुरंत से रोना रोके तुरंत ऐसा मुंह पलटा के देखा कि कहां से आवाज आई बिकॉज ये आवाज पहचानी सी थी ये आवाज वो बच्चा सुनता था जब वो मम्मी के पेट में था वो तुरंत से उसका रोना बंद हो गया एंड मोमेंट मेरी मम्मा मेरे साथ में थी you know, हम लोग दोनों जब उससे बात करने लगे क्या हुआ पापा को क्यों रो रहा वो हंसना चालू कर दिया एक जस्ट यू नो इन्फेंट जो अभी जस्ट पैदा हुआ है वो अगर आवाज पहचानने की क्षमता रखता है मेरे प्रियो हम कितनी क्षमता रखते होंगे जब हम प्रौढ़ हो जाते बढ़ जाते हैं क्यों हम परमेश्वर की आवाज पहचानने में चूक जाते क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम बाह्य बाहरी जो बाकी आवाजें हैं उनको बहुत ज्यादा सुनते हैं परमेश्वर की अगर आवाज को सुनना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है हालेलुया वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है वो मुझे जानती है और मेरे पीछे चलती है अगर हम परमेश्वर के लोग हैं हम, हम परमेश्वर की भेड़ें हैं तो ये जरूरी है कि हमको परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है हालिया अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो वो कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं यह नहीं कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा नो अनंत जीवन इसी जीवन से शुरू हो जाता है Hallelujah! मेरे कोई और दूसरा तीसरा चौथा यू you नो know, पुनर्जन्म नहीं है एक ही जीवन दिया है परमेश्वर ने मनुष्य को और उसके बाद ये जरूरी है कि हम मौत का सामना करें और उसके बाद जब मौत हो जाती है हमारी तो उसके बाद हम परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा के लिए रहेंगे या तो नर्क में सदा सर्वदा के लिए रहेंगे दैट्स रियालिटी और परमेश्वर यहां पे कहता है प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि अगर तुम मेरे लोग हो तुम मेरी आवाज सुनते हो तुम मेरे पीछे चलते हो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन, जीवन देता हूं और उनका कभी भी नाश नहीं होगा नथिंग कैन यू आपको कुछ भी नाश नहीं कर सकता आपको कोई चीज कोई व्यस्ती कोई, कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसा शत्रु नाश नहीं कर सकता क्योंकि वचन कहता है न कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन पाएगा जिसने इस पृथ्वी को और पृथ्वी के में जितना पानी पाया जाता है उसको अपनी कुप्पी में तोल के डाला है वो परमेश्वर बोल रहा है जिसने धूल को अपने तराजू में तोल के डाला है वो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं मेरी भेड़ों को कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता मैं उनको अनंत जीवन दूंगा मेरे पियो वचन ये भी कहता है जो ना उसका दस और चौथा में कि जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और वे वो भेड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है क्या आप अपने चरवाहे की आवाज पहचानते हो क्या आप उसके पीछे चलते हो उसका अध्याय और वचन ऐसा लिखता है। अच्छा चरवाहा तो मैं हूं। अपनी भेड़ों को मैं जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे वैसी ही जानती है जैसा परम पिता मुझे जानता है और मैं परम पिता को जानता हूं अपनी भेड़ों के लिए मैं अपनी जीवन दे देता हूं हाल प्रभु यीशु मसीह अच्छा चल है इसलिए उसने अपनी भेड़ों के लिए अपने लोगों के लिए अपना जीवन प्रदान कर दिया हाल मेरे प्रियो वचन बहुत स्पष्टता से कहता है मैं जो कह रहा हूं उसे तुम समझते क्यों नहीं इसका कारण यही है कि तुम मेरा संदेश नहीं सुनते मेरे प्रियो अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अनसुनी करेंगे तो हम उसके संदेशों को समझेंगे नहीं सुन नहीं पाएंगे और अगर हम उसकी बात को सुन नहीं पाएंगे तो हम कभी उसके पीछे चल नहीं पाएंगे और वो हमको बचा नहीं पाएगा जो उसके पीछे चलते हैं उनको कभी कोई चीज नाश नहीं कर सकती लेकिन जो उसको तिरस्कार करते हैं दूर होते हैं जो उसके पीछे नहीं चलते उनके लिए अनंत काल का सर्वनाश निश्चित है मेरे प्रियो मती उसका पच्च, पच्चीसवा अध्याय और बारहवें वचन में ऐसा लिखा है कि वो पांच जो मूर्ख कुमारियां थी वो आई वापस तेल लेके जब उन्होंने कुपियों में अपने तेल खरीदा और डाला और उसके बाद जला के आई तब वो कहता है कि किंतु उन्होंने ऐसा कहा कि किंतु उत्तर देते हुए उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि जब दरवाजा खुला था तब ये प्रवेश नहीं कर पाई ये तब गई थी तेल ने। मेरे ने परमेश्वर का आना निकट है और जो कोई तैयार रहेगा वही प्रवेश कर पाएगा और वो तैयारी कैसी वो आत्मिक तैयारी चाहता है परमेश्वर हमसे हमारे जीवन से हमारे परिवारों से हम हर एक को अपना लेखा देना पड़ेगा और उस हिसाब के लिए जो अनंत काल के जीवन में हमको प्रवेश करवाएगा उसके लिए विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करना जरूरी है हालेलुया ये कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा बल्कि उसे उस प्रकाश के प्राप्ति होगी जो जीवन देता है योना आठ और बारह में ऐसा लिखा है सो so, मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर हमारा ना केवल अच्छा चरवाहा है पर हमें अनंत जीवन देने वाला पर हमें आ, प्रकाश देने वाला परमेश्वर है पर हमें हर अंधकार से दूर करने वाला परमेश्वर है ऐसा भी परमेश्वर है जो हमें सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रखेगा और कोई हमें उससे छीन नहीं सकता ये वायदा प्रभु यीशु मसीह देता है आइए इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अब प्रार्थना करें मेरे प्रियो ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें उसके वचनों को सुने उसके संदेशों को समझे और उसके पीछे हो ले। क्योंकि प्रभु ने हमको नाम देकर बुलाया है एक अच्छा चरवा अपनी भेड़ों की नाम ले लेकर पुकारता है और वो भेड़ें उसकी आवाज को सुनती है और वो उन्हें जानती है उस आवाज को पहचानती है और इसलिए वो उसके पीछे पीछे चलती है मेरे प्रियो हमको भी ऐसे ही चलना है प्रभु परमेश्वर के पीछे उसके वचन के ऊपर पिता तेरे अनुग्रह से तेरी पवित्रता तेरे पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु तो हमसे बातें कर प्रभु होने दे कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जैसे एक चरवाह अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है प्रभु तू हमारे मार्गदर्शन कर तू हमारे आत्मिक आंखों को कानों को खोल ताकि हम तेरी आवाज को पहचानने पाए तू उसको जान कर तेरे पीछे चलने पाए मेरे प्रिय पिता प्रभु सारे कलिसिया के लोगों को सारे भाई और बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं इस पल तेरे हाथ में सौंपते तेरा अनुग्रह मांगते तेरी दया तेरी कृपा मांगते प्रभु हर एक परिवार को आशीषित कर छंगाई दे तेरी शांति प्रेम और आनंद दे और तेरे बहुत आयत के जीवन में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमेन अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा होती रहे आमेन मेरे पियो इससे पहले कि आप जाएं आप अगर दशवांश और भेंट अपनी चढ़ाना चाहते हैं पर, परमेश्वर को तो इस समय मैसूर होप सेंटर के बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे है क्यूआर कोड है आप स्कैन करके प्रभु के भवन में दे सकते हैं और प्रभु आपको बहुत हाथ से आशीष देंगे आप सब को जय मसीह की गॉड ब्लेस यू